जैसे कि आप देख सकते हो स्पाइडर रहने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हो हमारा डबल स्पाइडर रहने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हो। अरे जैसे गाइस स्पाइडर ना भाई कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, जैसे कि इसका स्पाइडर जो है। हेलो दोस्तों, मैं सुखराज, आज मैं फिर आप लोग धमाकेदार वीडियो लेके आ चुका हूँ, वो भी हमारे अधिकलाल जी के चैनल पे। सबसे पहले आप सबको हम करते हैं नमस्कार अधिकलाल जी। नमस्कार दोस्तों। हाँ, और ये जो चैनल रहने वाला हमारे अधिकलाल जी का रहने वाले हैं, लेकिन हमारे जो अधिकलाल जी हैं वो चैनल पे नहीं आते। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा गौरव भैया आते हैं, या नहीं तो ऋषभ भैया आते हैं, या अदर अदर बंदे भी आते हैं, लेकिन हमारे अधिकलाल जी नहीं आते हैं। ठीक है, क्यों नहीं आते हैं? उसके पीछे भी कारण है कि उनको मतलब कैमरा फेस करने का आदत नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं आ पाते हैं। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों को अधिकलाल जी मतलब एक धमाकेदार वीडियो लेके आए हैं, और वो सोच इनका है, और आप लोगों को भी काफी ज्यादा कमेंट आप लोगों ने भी किया था काफी ज्यादा, कि जो हमारा जो JBL का स्पीकर रहता है, जो 550 वाट का जो हमारा स्पीकर रहता है, उनके मटेरियल्स नहीं मिल पाते आपको। और हमारे वो स्पीकर काफी सारे, और बहुत सारे भाई ऐसे ही बोलते होंगे कि भैया अगर JBL का ओरिजिनल स्पीकर अगर ले भी लेते हैं, ठीक है, वो, और मैं आप लोगों को बता दूं JBL हरवन कंपनी का है, ओरिजिनल JBL US का है, जो हमारा हरवन कंपनी है वो हमारा JBL मतलब बनाता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा हरवन कंपनी का हमारे ये JBL का स्पीकर रहने वाला है, जो हमारा 550 वाट का रहने वाला है, और हरवन का ही, हरवन कंपनी का ही सारे के सारे आप लोगों को JBL का सारे पार्ट्स दिखाने वाले हैं, और सारे के सारे ओरिजिनल पार्ट रहने वाले। ये नहीं है कि, और हमारे बहुत से भाई ये भी कमेंट करते होंगे कि ये नोकल ही है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ओरिजिनल JBL का पार्ट रहने वाला है। मैं आपको अनबॉक्सिंग करके भी दिखाने वाला हूँ, इसके अंदर क्या क्या आप लोगों को मिलता है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा लाइव प्रूफ। और ये हमारे अधिकलाल जी का चैनल रहने वाला है, हमारे अधिकलाल जी मतलब कैमरे के पीछे ही रहते हैं अक्सर, हम लोग सिर्फ शूट करते हैं, लेकिन जो सारा स्ट्रगल जो रहता है ना हमारे अधिकलाल जी का रहता है, शूट करने से लेके वीडियो एडिटिंग करने से लेके डालने से लेके थंबनेल से बनाने से लेके सारा मेहनत रहता है हमारे अधिकलाल जी का। ठीक है, तो ये कैमरे के पीछे ही रहते हैं ज्यादातर। ठीक है, अब कोशिश करेंगे कि कैमरे के सामने अब आएंगे, आपके साथ गुप्त करेंगे। ठीक है, अब तो चलो ज्यादा लेट ना करते हुए, मेरे ख्याल से ज्यादा ही भाषण दे दिया मैंने। ठीक है, तो ज्यादा लेट ना करते, चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर हमारे अधिकलाल जी के चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जो प्रेस कर देना, इंस्टाग्राम पे अधिकलाल जी को भी फॉलो कर लेना, ताकि आप लोगों को ऐसे ऐसी डीजे से रिलेटेड नए अपडेट मिलती रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दिखाऊंगा JBL का 550 वाट का स्पीकर, जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारे स्पीकर आने वाला है। और हमारे बहुत से भाई ये भी बोल रहे होंगे कि हमने तो यार ये स्पीकर देख चुके हैं, लेकिन आप ये स्पीकर फिर दोबारा क्यों दिखा रहे हो? मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि हमारे बहुत से भाई ये कभी सोचे हैं कि अगर ये हमारा स्पीकर कभी फूक जाए, या कभी इसके कॉइल जल जाए, ये रिपेयरिंग कैसे होगा? हाँ, रिपेयरिंग हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि रिपेयरिंग नहीं होता है, रिपेयरिंग होता है, कंपनी में जाना पड़ता है, कम से कम कंपनी में आप भेजते हो, एक दिन लगता है, फिर वहां से रिपेयरिंग होने में आपका 10 से 15 दिन लग जाता है, फिर उसके बाद आपके पास स्पीकर आता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि घर पे बैठे बैठे आप खुद ही ठीक करवा सकते हो, लोकल एरिया में जाके आपने लोकल एरिया के बंदे को पकड़ लिया, मतलब आपके जो रिपेयरिंग करते हैं, और उनको आप वो सामान दे के आप खुद ही रिपेयरिंग करवा सकते हो, आपने कभी ये सोचा है? नहीं सोचा ना। तो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं JBL का 550 वाट का स्पीयर पार्ट, जैसे कि आप देख सकते हो आपको भी दिखाने वाला स्पीयर पार्ट सारे के सारे रहने वाले, आपका कॉइल रहने वाला है, आपका प्लस स्पाइडर रहने वाला है, प्लस आपका मतलब काफी सारे मतलब जो जो इनके आइटम है वो सारे के सारा चीज रहने वाला है इसके अंदर। ठीक है, और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा मतलब प्राइस के साथ भी रहने वाला है। और मैं आप लोगों को बता दूं JBL जो है हरवन कंपनी से है, और आप ये मत सोचना कि मैं जो आपको स्पेयर पार्ट दिखा रहा हूँ सारा लोकल दिखा रहा हूँ, नहीं, ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स रहने वाले हैं। और मैं आपको ये बता दूं JBL का मतलब जो आपके JBL का जो स्पेयर पार्ट्स है वो कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है, मैं आपको ये पहले बता देता हूँ। ठीक है, वो सबसे हटके है, मतलब आप अभी आप खुद ही देखोगे ना उसका जो डिजाइन है, जो आपका वो तैयार हुआ है, वो मतलब आप खुद ही सोचोगे भाई ऐसे भी तैयार होके आता है,
आप खुद और हैरान होने वाले हो जो इसका स्पेयर पार्ट देखोगे। ठीक है, तो चलो मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके स्पेयर पार्ट का अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको स्पीकरों में दिखाता हूँ कि भाई कैसे कैसे हमारे चीज लगता है, क्या नहीं लगता है, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे कि पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहले हमारा आता है रिंग। ठीक है, जो हमारे स्पीकर के साइड में लग जाता है। ठीक है, हमारे साइडों में रिंग लग जाता है। ठीक है, कि हमारे जो चेसी के ऊपर जो हमारा रिंग रहता है, मतलब हमारा जब फाइनल कट आता है, जब हमारा ये पूरा पेपर लग जाता है, तब जाके हमारा रिंग लगता है। ठीक है, ये हमारा रिंग हो गया। ठीक है, अब फिर हमें रिंग के साथ साथ हमें मतलब इनको चिपकाने के लिए मतलब हमें ग्लू भी दिया जाता है JBL की तरफ से रहने वाला, जैसे कि आप देख सकते हो ग्लू। ठीक है, और ये हमारा ओरिजिनल रहने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हो ये ग्लू का ब्रांडिंग, मतलब ग्लू में हमारा ब्रांडिंग दिया गया हुआ है JBL का, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, और फिर हमारा आ जाता है कैप, डस्ट कैप, जैसे कि आप देख सकते हो, जो हमारे कॉइल में हमारा डस्ट ना जाए इसलिए हमारा कैप लगाने का मतलब लगाने का ऑप्शन दिया जाता है, मतलब हमारा ये कैप रहने वाला है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा ओरिजिनल मतलब कैप रहने वाला है, ये नहीं कि भाई नोकल है ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा कैप हो गया। फिर कैप के बाद आता है हमारा कॉइल। ठीक है, और हमारे कुछ हमें कंपनी की तरफ से, हमारे JBL कंपनी की तरफ से हमें कुछ जैसे कि कुछ कैटलॉग वगैरह दिया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जैसे कि कॉइल वगैरह जल जाता है तो ऐसा हो जाता है जलने के बाद। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका रिपेयरिंग का सिस्टम दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो आपके सारा के सारा रिपेयरिंग का सिस्टम यहाँ पे दिया गया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो कैसे आप लगा सकते हो कॉइल वगैरह को, जैसे कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिर फिफ्थ स्टेप, सिक्स स्टेप, सेवन स्टेप, जैसे कि आपका दे रखा है लगाने का सिस्टम। ठीक है, आपका दे रखा है ये सारे के सारे, इसका इसी पे आपका सिस्टम दे रखा है। ठीक है, इसको भी साइड करते हैं। अब आता है हमारे कॉइल की बारी। ठीक है, अब मैं आपको कॉइल दिखाता हूँ, ये देखिए ये हमारा कॉइल हो गया। ठीक है, और ये फिर हमारा जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा कुछ आ जाता है ऐसे, आप देख सकते हो है हटके है या नहीं हटके वो कमेंट आप करना। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो सारा के सारा आपका सिस्टम दे रखा है, और इसको कोई भी इजी तरीके से कोई भी रिपेयरिंग कर सकता है घर पे बैठे बैठे। ठीक है, क्योंकि देख जैसे कि आप देख सकते हो कि सारा का सारा सिस्टम आपका दे रखा है, आप यहाँ मतलब खुद ही रिपेयरिंग कर लोगे घर पे, मुझे जहां तक उम्मीद है, क्योंकि यहाँ तक ये तो भाई देख के तो लग रहा है इजी, लेकिन आप फिर भी टेक्निकल मतलब जो इस चीज में टेक्निकल है बंदा उन्हीं से जाके आप वो करवा लेना। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा फ्रंट का लुक रहने वाला है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे डस्ट कैप लग जाता है, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ ऐसा हमारा डस्ट कैप लग जाता है, ये हमारा डस्ट कैप लग जाता है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो। देखो अब कुछ लुक हमारा आ रहा है, नहीं आ रहा, देखो ये देखो सेम लग रहा है हमारा कुछ लुक। अरे आपको लग रहा होगा कि मैं स्पीकर ही पकड़ा हुआ हूँ, लेकिन स्पीकर नहीं पकड़ा मैं। ठीक है, ये हमारा फिर हमारे यहाँ पे लग जाता है रिंग, इसके मतलब बगल में रिंग लग जाता है हमारी। ठीक है, अब रिंग लगने के बाद फिर हमारा कुछ ऐसे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब फिर आपका ये ग्लू भी दिया गया हुआ है। अब फिर मैं आपको थोड़ा बैक साइड दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो आपका एक कॉइल रहने वाला है, कॉइल के बाद आपका रिंग रहने वाला, जैसे कि आप देख सकते हो स्पाइडर रहने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हो हमारा डबल स्पाइडर रहने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हो। अरे जैसे गाइस स्पाइडर ना भाई कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, जैसे कि इसका स्पाइडर जो है मतलब सबसे अलग है। ठीक है, और इसके जो ये पेपर जो है काफी ज्यादा स्मूथ रहने वाला है, जैसे कि देख सकते हो ये देखो जैसे ये ना पेपर, ये देखो स्मूथ है, ये देखो दबा दबा के जैसे मैं देख रहा हूँ, ये देखो ये भी देखो वैसे रहने वाला, देखो ये देखो रहने वाला ना, देखो पूरा भाई पूरा सॉफ्ट रहने वाला हमारा ये, और ये भी हमारा पूरा सॉफ्ट रहने वाला। और गाइस ये ओरिजिनल ही रहने वाला है, हमारा कॉपी वॉपी नहीं रहने वाला, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये चीज, क्योंकि हमारे बहुत से भाई यही कमेंट कर रहे होंगे कि भैया कॉपी है ये है कुछ नहीं, ये हमारा हर्बन कंपनी की तरफ से आया हुआ है JBL की तरफ से। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो हमारा कुछ ऐसा ही है, और मैं आपको ना प्राइस भी दिखाता हूँ, और गाइस यहाँ पे मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है जब ये हमारा ये तैयार हुआ था। ठीक है, यहाँ पे डेट डला हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो 7/12/2021 मतलब डेट डला हुआ है जब आपका ये तैयार हुआ था। ठीक है, और आपका यहाँ से देखो वायर निकला हुआ है कॉइल का, आपका यहाँ से वायर निकला पड़ा है, आपको कुछ नहीं करना है कि भाई एक्स्ट्रा छेद करके आपको लगाना है, ये करना है वो करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, मतलब पूरा पहले से फिटिंग आता है। ठीक है, जस्ट आपको क्या करना है, ये पूरा जैसे कि आपको ये उखाड़ना है, उखाड़ने के बाद ये पूरा बाहर आ जाएगा, फिर बाहर आने के बाद फिर आप ऐसे लगा दीजिए, और लगाने के बाद फिर आप पूरा फिटिंग कर दीजिए, फिर आपका स्पीकर तैयार।
है ना, इतने इजी तरह का मतलब दे रखा है आपको कंपनी ने, ठीक है। अब हमारे बहुत से भाई तो प्राइस के लिए रुके होंगे कि भाई प्राइस क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मैं आपको प्राइस ही बता देता हूँ और मैं ये भी बता देता हूँ कि इसको रखा कैसे जाता है, ठीक है, मतलब पैकिंग कैसे किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो काफी इजी तरीके से पैकिंग किया जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, ये हमारा ऐसे लग गया, ठीक है, और फिर हमारा यू करके रख दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो आपका ये हो गया और फिर इसके बाद ये आपका गत्ता लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका एक और चीज़ है, आपका ये रहने वाला, ठीक है, ये चारों तरफ से दे दिया गया, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका ये साइड में एक ग्लू जो है आपका एक साइड रह जाता है, फिर आपका रिंग एक साइड रह जाता है, फिर आपका स्पाइडर जो है एक साइड रह जाता है, मतलब यहीं पे रख लीजिए आप, ठीक है। फिर आपके जो कैटलॉग वगैरह है, आपके कैटलॉग वगैरह यहाँ पे रख दिया गया, ठीक है। फिर आपका ये पूरा ये ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। अब मैं आपको प्राइस बता देता हूँ क्या प्राइस क्या रहने वाला है, ठीक है। प्राइस जो रहने वाला है हमारा, जैसे कि जो हमारा प्राइस रहने वाला है हमारा 3591, जैसे कि देख सकते हो मतलब 3600 के आसपास हमारा ये पूरा किट का प्राइस रहने वाला है, ठीक है। और अगर आप कंपनी में डायरेक्ट फोन करते हो, तो आपको डायरेक्ट जो इसका डीलर प्राइस जो रहेगा वो आपको मिल जाएगा। कॉन्टेक्ट करके आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, इससे भी थोड़ा लेस हो जाएगा। ये नहीं है कि भाई जो इसमें जो प्राइस दिया गया हुआ वही प्राइस मिलेगा, नहीं, आप कॉन्टेक्ट कर लेना कंपनी में डायरेक्ट। आपको कंपनी में जैसे करोगे आपको जो डीलर प्राइस रहेगा वो डीलर प्राइस आपको दिया जाएगा, मतलब आपको लेस करके ही दिया जाएगा, फिक्स प्राइस में नहीं दिया जाएगा। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।